अरुणाचल में लापता हुए AN-32 विमान का मलबा मिलने के बाद वायुसेना ने सभी 13 लोगों की मौत की पुष्टि कर दी। इस जहाज में बलिया का लाल सूरज सिंह भी सवार था। मौत की खबर मिलते ही सूरज सिंह के परिवार में कोहराम मच गया। परिजन बीते 3 जून से ही अपने लाल के जिंदा होने की आस लगाए बैठे थे, लेकिन सेना की पुष्टि के बाद उनके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे। सूरज के पिता का कहना है कि उन्हें सूरज की मौत की पुष्टि टेलीफोन द्वारा जोरहट एयरबेस से मिली। जोरहट से आई सूचना कि उस प्लेन में 13 आदमी खत्म है। उस प्लेन में कौन था? वो हमारा लड़का था, सूरज कुमार सिंह, एसके सिंह। बारह मई को आए थे और 25 मई को गए। जब आए थे तो उनसे अभी कुछ बात भी हुई होगी, बात हो रही थी घर को लेकर के, किस तरह की योजना बन रही थी, तो उनके दिमाग में कुछ चल रहा था? कुछ बात नहीं हुआ, यही हुआ चेक करा लीजिए। वहीं भाई का कहना है कि फोन पर बातचीत के दौरान वो हमेशा परिवार का ध्यान रखने की बात कहते थे। 1983 से चल रही है, 80 से लमसम। इसको 2004 में बंद हो रहा था, लेकिन किसी की वजह से ये फिर चालू हो गया। आपके भाई साहब क्या चाहते थे, क्या कहते थे आपसे बातचीत होती थी? मेरे भाई साहब कहते थे कि वो जहाज बहुत ही खतरा है, जहाज है, इस पर बहुत बहुत से जवानों बलिदान दे दिए हैं। वैसे ही 2011 में ऐसे ही 13 जवान जा रहे थे, वो भी अरुणाचल प्रदेश में, वो भी रेडार से क्रैश हो गई थी। वो भी क्रैश हो गई? हाँ। कितने साल पुराना है ये विमान? ये पूरा 30-40 वर्ष पुराना जहाज है। इसको 30 वर्ष की इसकी वैलिडिटी है कि 30 वर्ष तक ये चलेगा। और चलाया कितना जा रहा है? 40 से ऊपर हो गया, अभी चल रहा है लोग। तो ये सब बातें कौन करता था आपसे? हमसे भैया जी बताते थे, सूरज सिंह, एसके सिंह। सूरज की माँ की हालत बेहद खराब है। इस तरह हुए हादसे में उन्होंने अपने भाई को खो दिया था और अब अपने बेटे को। सूरज 2 महीने पहले भरल, 1 महीना पहले छुट्टी आई रहा हन। 15 दिन का बोल के आपसे गई रहा हन, आखिरी समय में जब बात भई रहे तो आपसे का बोल ले रहा हन? हमरा से कुछ ना कहले रहल। अभी आपके कोनो सूचना आई लेटे? हां नहीं कर मिले लोग नहीं कौन दुनिया में नहीं कौन लड़का होता है। बलिया जिले के शोभा छपरा गांव के रहने वाले एसके सिंह 3 भाइयों में सबसे बड़े थे और अभी बीते फरवरी माह में ही उनकी शादी हुई थी। सूरज अपने दोनों छोटे भाइयों को भी सेना में भेजना चाहते थे। बलिया से मुकेश मिश्रा की रिपोर्ट, पंजाब केसरी TV।